ज़िला संगरूर के शहर धूरी पंजाब में आज शिरोमणि अकाली दल बादल ने पंजाब सरकार के खिलाफ विश्वासघात दिवस मनाया। शिरोमणि अकाली दल बादल के हलका इंचार्ज सरदार हरि सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी ने पंजाब की जनता के साथ विश्वासघात किया है, जिसके विरोध में आज हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। सरदार हरि सिंह ने पंजाब सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने चुनाव से पहले जो वायदे पंजाब की जनता के साथ किए थे, जैसे कि नौजवानों को स्मार्टफोन देना, पंजाब को नशा मुक्त बनाना, किसानों को उनका हक दिलवाना आदि, उनमें से पंजाब सरकार ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। सरदार हरि सिंह ने धूरी में गन्ना किसानों के धरने की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये सब जो पंजाब सरकार की नाकामयाबी का प्रत्यक्ष सबूत है। ऐसी विश्वासघात दिवस मनाया जो कि कांग्रेस सरकार ने 2 साल पहला लोगों नाल झूठे लारे ला के उन्होंने विश्वास च लिया अते आप उन्होंने नाल विश्वासघात किया। इन्निया मंगा उन्होंने कहा भी असी आ देवे पर दिता कुछ नहीं। इस करके लोगों नाल सरकार ने कांग्रेस ने विश्वास ही घात किया। असी विश्वासघात दिवस अज मनाए जरा किस तरह देखते हो जी? वो असी जीरो ही मानते हैं क्योंकि थोड़ा पता ही है तुसी पत्रकार भीरों रोज़ की कुछ हो रहा है, किसानों बतीकियाँ हो रहे हैं, किन्नी करप्शन बढ़ गई। अपने धूरी ला लो जिमीदार पिछले साल का भी जो गन्ने की अदायगी है वह नहीं की। पिछले हफ्ते इतों का एम एल ए उन्होंने वादा करके वादा खिलाफी कर गया तो उन्होंने पैसे नहीं दिते। इस मौके पर हलका इंचार्ज सरदार हरि सिंह के अलावा यूथ अकाली दल के प्रधान गुरविंदर सिंह गिल, एमसी धूरी मनविंदर सिंह बिन्नर, एसजीपीसी मेंबर भूपेंद्र सिंह भनवाल, जतिंदर सिंह मंडेर के साथ समूह भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के वर्करों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। पंजाब से तरसेम सैनी की रिपोर्ट।